नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल जिसका नाम है टेक्निकल ज्ञान। और आज मैं आपके साथ YouTube के बारे में बात करने वाला हूँ। जी हाँ, YouTube पे आप अर्निंग तो कर सकते हैं, ये सभी को पता है, लेकिन कोई जो है इसको क्या बोलते हैं दिल लगा के काम इसमें नहीं करता। मतलब कि जैसे कि स्टार्टिंग में अगर आप मेरे पुराने वीडियो देखेंगे तो मैं एक पता नहीं कैसे एक जाली झूली था वहाँ पर बैठ के बनाया करता था। आप एडिटिंग से भी ठीक से आती नहीं थी। आप मेरा यूट्यूब पे जाइए मेरे चैनल पर और सबसे लास्ट वाला वीडियो आप जाकर देख सकते हैं, पुराना वाला। तो उसमें और अभी के वीडियोज़ में आपको ज़मीन आसमान का अंतर दिखेगा, क्योंकि आप धीरे धीरे यूट्यूब को सीखते हैं किस तरह से एडिट करना है या शूट करना है या कौन से एप्लीकेशन का यूज़ करना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो आपको एक वक्त सिखा देता है धीरे धीरे से, तो आपको जो इसमें कंटिन्यू बने रहना है। क्योंकि एक टेक्निकल दोस्त था, उनका भी अगर आप पुराने वाले वीडियो अगर जाकर देखेंगे तो मतलब ऐसे आए थे वो शर्ट ऐसा पहने हुए और मुँह से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी उनके, तो उसी तरह का कुछ मेरा भी था। लेकिन मैं अभी उनके जितने पैसे नहीं कमाता हूँ, क्योंकि टेक्निकल दोस्त की पिछले महीने की इनकम थी 168,000 रुपये, यानी कि बहुत है। आजकल तो कोई नौकरी ले आप तो उसमें भी मतलब गवर्नमेंट जॉब ले काफ़ी मेहनत और पढ़ाई करने के बाद तो भी आपको इतना पैसा नहीं मिलता, क्योंकि 40-50 हज़ार रुपये से ज़्यादा आपको पेमेंट नहीं होंगी कभी भी स्टार्टिंग में अगर करते आप गवर्नमेंट जॉब। तो अगर आप बहुत हाई एंड IAS करते हो तो शायद मिले। तो लेकिन मैं आप उसकी बात नहीं बता रहा हूँ, अगर आपके पास कोई टैलेंट है, मतलब एक क्या बताओ, साउथ का एक था केरला का, उन्होंने इंजीनियरिंग की थी किसी चीज़ में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग पता नहीं क्या था, गाड़ियों को खोलना जुड़ना उसे क्या बोलते हैं मुझे तो पता नहीं। तो उन्होंने क्या किया, उनको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली तो उन्होंने अपना खुद का गैरेज डाल दिया और उसी में जो है स्पेयर पार्ट्स खोलना कैसे है, जोड़ना कैसे है, सारी चीज़ें, मतलब क्या आवाज़ से किस तरह से पहचाना है कि गाड़ी में क्या दिक्कत है, इस पर उन्होंने वीडियोज़ बना बना के डाले। वो चैनल इंग्लिश में था और क्योंकि उधर इंग्लिश आती है, उनको हिंदी का आती है ज़्यादा साउथ वालों को, तो उन्होंने इंग्लिश में उस चैनल को बनाया। तो वर्ल्ड वाइड उस वीडियोज़ को उनके देखा जा गया और मिलियंस और बिलियंस में उनके सब्सक्राइबर जो है हो गए। तो अभी उनकी इनकम भी इसी से ज़्यादा है, मतलब वो भी कहते हैं कि मैं महीने में एक अल्टो कार खरीदी कर सकता हूँ। पता नहीं उनके कितने हैं, कौन सी अल्टो कार, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं महीने में एक अल्टो कार खरीदी कर सकता हूँ, यानी कि अच्छा 2-3 लाख रुपए से ज़्यादा ही उनके पेमेंट है। तो हमें इतने नहीं कमाना है, मैं तो कहता हूँ कि हमें 4 या 5 हज़ार भी महीने का मिल जाए तो बहुत ज़्यादा है। महीने का इंटरनेट का खर्चा भी अगर निकल जाए तो बहुत ही, क्योंकि मेरा तो अभी खर्चा इंटरनेट का खर्चा तो निकल जाता है, इतना ही मेरे को इसमें मिलता है। यानी $5 मेरी इस महीने का है, तो ये पता नहीं $100 कब होंगे, कब मुझे पहली पेमेंट मिलेंगी जब मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा। लेकिन वही बात होती है कि आपको अगर YouTube पे पैसे कमाना है या सक्सेसफुल होना है तो आपको इस पर बने रहना है, कंटिन्यूसली आपको वीडियो इस पर अपलोड करना है, जो आपके दिमाग में आता है, जो आपको लगता है कि लोग इसे देखेंगे सुनेंगे, उस वीडियो को आपको बना के अपलोड कर देना है। कोई दिक्कत नहीं, अभी डेटा भी काफ़ी सस्ता हो गया है, 100-200 रुपये अभी बढ़ गया फिलहाल, तो कोई दिक्कत नहीं, बढ़ने दो, 100-200 बढ़ गए होंगे, लेकिन आपको महीने का काफ़ी अभी भी डेटा अच्छा मिल रहा है। जियो आया तब से तो मतलब हुआ ही है सब कुछ। अभी एयरटेल भी आप यूज़ कर सकते हैं, जियो से थोड़ा महंगा है लेकिन आपको स्पीड अच्छी प्रोवाइड करता है। तो ये तो हो गया इंटरनेट की बात, लेकिन आपको इस पर वीडियो कंटिन्यूसली डालते रहना है। तो वो भैया के बताता हूँ, पहले केरला वाले जो है तो साउथ वाले, तो उन्होंने क्या किया, अभी तो हो गया, अब उसके बाद उन्होंने हिंदी सीखी क्योंकि उन्हें पता है इनकम अच्छी आ रही है। हिंदी भी बहुत सारे, मतलब 125 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं इंडिया में जो हिंदी जानते हैं, तो उनके लिए उन्होंने वीडियो स्टार्ट करने के लिए उन्होंने पहले हिंदी जाकर सीखी। अब उनके वीडियो जो हिंदी में आ रहे हैं, उनके चैनल का नाम तो पता नहीं, मैंने एक इंटरव्यू में देखा था बस उनका वो, तब हिंदी में उन्होंने सीखी और हिंदी में वो वीडियोस अपने बना रहे हैं। लेकिन हमें तो इसकी दिक्कत नहीं है, हमें इंग्लिश में बनाना है नहीं, तो बनाओ हिंदी में, जो आपके पास टैलेंट है उसी को आप दिखाओ टीवी पर, क्या बोलते हैं यूट्यूब पर, लोग देखेंगे हर जगह, अगर उन्हें अच्छा लगता है तो लोग सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर भी करेंगे, आपके फॉलोअर सब कुछ बढ़ेगा, मतलब बस। लेकिन आपको इस पर बने रहना है। अब कोई डांसिंग सिखाता है, कोई मैथ सिखा रहा है, अब मेरा दोस्त है संदीप स्टडी सर्कल नाम से, उन्होंने यूट्यूब पर वीडियोज़ 1-2 ही अपलोड किए, लेकिन वो उनके क्लासेस चलते हैं तो क्लासेस लेते हैं ज़्यादातर वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, महाराष्ट्र के हैं, मैं भी महाराष्ट्र से ही हूँ। तो ऐसे ही कुछ ना कुछ आपको करते रहना है, मतलब कि घबराना नहीं है, या क्या यू कहे कि पीछे नहीं हटना है, यार मेरे तो व्यूज़ ही नहीं आ रहे हैं, तो आपको पहले YouTube को समझना है किस तरह से काम करता है, कि आपको टाइटल किस तरह से चाहिए, डिस्क्रिप्शन में कुछ लिखना होता है जो कि टाइटल से मैच खाए, उसके बाद में टैक्स में आपको वही लिखना होता है जिस टॉपिक पर आपने वीडियोज़ बनाए, मतलब ऐसा बहुत बड़े बड़ा नहीं लिखना है, शॉर्ट शॉर्ट टैक्स लिखना है जिससे लोग जब सर्च करें तो आपका वीडियो के टैक्स को YouTube रीड करे और आपका वीडियो जो है लोगों को दिखाए, सजेस्ट करे। तो ये सब कुछ आपको सीखना पड़ेगा, पहले YouTube किस तरह से काम करता है, उसके बाद में आपको वीडियोस बनाना है। वीडियोस बनाना है मतलब ऐसे नहीं कि उठे ही और कुछ भी बना दिया, आपको उस पर सोचना है, उस टॉपिक के ऊपर आपको क्या कहना है, 2-4 पॉइंट्स निकालना है कि मुझे ये पॉइंट्स इस वीडियो में आज मुझको बताना है। तो ये सब कुछ आपको करना पड़ेगा, दिल लगा के मेहनत करना पड़ेगा, तब जाकर आप कर पाएंगे। क्योंकि देखिए, अब टेक्निकल दोस्त को जिसके बारे में मैं बता रहा हूँ,
स्टार्टिंग में आया था तो कुछ नहीं पता नहीं उसकी पहली इनकम भी उन्हें कब मिली थी। बच्चा सा दिख रहा है उस वीडियो में पहले वाले, अभी तो अच्छा खासा लगता है, अच्छे वीडियोस बनाता है, कॉमेडी में आपको टेक्निकल बातें सिखाते हैं वो सर। तो बहुत कुछ बड़े आप कर सकते हैं अपना तरीके से, आपको जिस तरह से लोगों को समझाना आता है। आप आइए बस कैमरा स्टार्ट करिए अपने मोबाइल का, अभी मैं मोबाइल से शूट कर रहा हूँ सब कुछ, बस एक बोया का माइक लिया है वो अच्छा क्वालिटी वॉइस अच्छा होने के लिए बस, और इससे ज़्यादा मैंने कोई खर्चा इस पर किया है नहीं। तो आपके दिमाग में जो कुछ भी चलता है इस यूट्यूब चैनल के बारे में या जो कि आपके पास में टैलेंट है उसके बारे में, आपको कैमरा के सामने बस लीडर होकर बातें करना है दो चार मिनट बस। आप वीडियो को पोस्ट कर दीजिए, एक थंबनेल बनाना सीख लीजिए किस तरह से बनाना है, लोग देखेंगे, अगर आपके पास सच में क्वालिटी तो लोग देखेंगे और कुछ नहीं। तो इसमें इनकम बहुत कुछ है, इसमें मतलब क्या बोलते हैं अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है, आपके पास जो टैलेंट है वो आपको बस लोगों को शो करना है, और चाहे जितनी आप इनकम कर सकते हैं। ये तो 1,68,000 कमाते टेक्निकल दोस्त, टेक्निकल गुरुजी तो उससे भी ज़्यादा कमाते हैं क्योंकि उनके 14 मिलियन सब्सक्राइबर्स है और टेक्निकल दोस्त के लगभग 2 मिलियन के आसपास कुछ है। तो यही फ़र्क है, आपके पास ऑडियंस होगी तो आपको कंपनी वाले स्पॉन्सरशिप भी देंगे कि भाई हमारी इस चीज़ के बारे में आप अनबॉक्सिंग करो या इसके बारे में कुछ बता लोगों को क्या अच्छा है बुरा है, तो वो अपने अलग से पैसे भी देते हैं आपको सारी चीज़ें बताने के। तो यही होता है YouTube पर सब स्पॉन्सरशिप, अभी हमें तो कुछ नहीं मिले क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स ही 3,350,000 है, तो हमें तो बहुत टाइम है मिलियंस में जाने के लिए, लेकिन हमें मिलियंस की नहीं सोचना है, जैसे चल रहा है बस चलने दो। जितना हमें मिलेगा इनकम के बारे में सोचना नहीं है, मिलता रहेगा जो भी मिलेगा 10, 5, 20 रुपये ऐसी सोच के चलो, क्योंकि कभी ना कभी हर किसी का वक्त आता है, कभी ना कभी आपको जो बड़ा चैनल बन ही जाता है। तो यही बात को ध्यान में रखते हुए जो आपको वीडियोस बना के YouTube पर अपलोड करते रहना है, पैसे को मत सोचो कि इतना कमा रहा है वो उतना कमा रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग में जब मैंने किया था आपको बताता हूँ कि मैं लोगों के मोबाइल ले लेके सब्सक्राइब किया करता था मेरे चैनल को, तब जाके 1, 2, 3, 4, 10, 15 ऐसे हुए, ज़्यादा 100 तक किया, उसके बाद बोला छोड़ो यार नहीं करना है। फिर ऐसे ही करते करते गया, फिर वीडियोज़ बनाया, मैंने सोचा कि ज़्यादा फोकस करना है यूट्यूब पर वीडियोज़ बना के अपलोड करने में, तो वीडियोज़ बना के डालता गया, अब जाके लोगों को पसंद आने लगे। फिर मैंने सॉफ्टवेयर ColorOS के बारे में अपलोड किया तो लोगों को ज़्यादा पसंद आया क्योंकि उस पर कम कंटेंट था यूट्यूब पर अवेलेबल, तो लोगों ने मुझे सब्सक्राइब भी किया, लाइक भी किया, तो मुझे काफ़ी कुछ मिला है ज़्यादा। मतलब लाइक करने से क्या है ना, आपको एनर्जी मिलती है और आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ बना सकते हैं एक ही दिन में, तो ऐसे में किया। और अभी जाके मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि 3,500 सब्सक्राइबर्स करना बहुत बड़ी बात है, लोग 100 सब्सक्राइबर नहीं कर पाते, लेकिन मेरे 3,500 हो गए, ये सब आप लोगों का बदौलत है, आपने सब्सक्राइब कराया मेरे चैनल को इसलिए। तो आपको वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों तो लाइक जरूर कर दिया करो, क्योंकि इसमें कोई आपका पैसे नहीं लगते और ना ही सब्सक्राइब करने के पैसे लगते, चाहे बाद में आपके चाहे मन चाहे वीडियोज़ आए ना आए, लेकिन चाहे ना देखा तो भी चलेगा, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कर दे क्योंकि ये नंबर्स जब किसी और को दिखता है तो वो वीडियो ज़रूर देखता है। तो यही बात को मैं बताना चाहता था। चलो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, अगर आप थोड़े से भी मोटिवेट होते हैं यूट्यूब चैनल और अपना टैलेंट बाहर लोगों को दिखाने के लिए, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।